हाइपेशिया एक ग्रीक गणितज्ञ, खगोलवादी और दार्शनिक थी। वह नियो प्लेटोनिक स्कूल एलेक्जेंड्रिया की प्रमुख थी, जहां वह दर्शन और खगोल विज्ञान पढ़ाती थी। वह दुनिया की सबसे पहली गणित पढ़ाने वाली महिला भी थी। उन्होंने बताया कि जिस महिला को सेक्स नहीं मिलता तो वो क्या करती है, और उन्होंने पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी बहुत सी बातें बताई, और उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करने का तरीका बताया। यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वह व्यक्ति बेवकूफ है जो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है जो कुछ वह जानता है। जीवन एक खुलापन है, और जितना आगे हम यात्रा करते हैं उतना ही अधिक सत्य हम समझ सकते हैं। अंधविश्वास को सत्य मानकर पढ़ना सबसे भयानक बात है। लोग अक्सर सच्चाई की भूख का दावा करते हैं, लेकिन जब इसे परोसा जाता है तो शायद ही कभी इसका स्वाद पसंद आता है। एक अच्छे पति को बहरा और एक अच्छी पत्नी को अंधा होना चाहिए। पति पत्नी का जीवन तभी सुखी रह सकता है जब दोनों एक दूसरे का ख्याल करें। बिना आपसी विश्वास के कोई रिश्ता नहीं होता है, यहां तक कि पति पत्नी का भी नहीं। पति पत्नी के रिश्ते में स्वयं की हार भी जीत के समान ही मीठी लगती है। पत्नी का सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं पत्नी को डांटकर ही कोई बात बताई जाए। रिश्ता मजबूत करना है तो बातों को प्यार से समझाया जाए, वरना प्रेम भरे जीवन में दरार पड़ जाती है। आपको आपके क्रोध के लिए सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको आपका क्रोध ही सजा देगा। बुरे वक्त का बस एक ही फायदा होता है कि वह लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। एक अच्छा जीवन साथी जिंदगी के दर्द को कम कर देता है। दोस्ती जीवन की अच्छाइयों को दुगना कर देती है और बुराइयों को बांटती है। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। एक स्त्री को बीमारी में और किसी पराए मर्द के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए बना है जो न ही खुद कुछ करना चाहते हैं और न ही दूसरों को कुछ करने देना चाहते हैं। जिस औरत को सेक्स नहीं मिलता वह हमेशा सेक्स की बातें करती है। जिसके पास पैसा नहीं है वह हमेशा पैसे की बातें करती है। मतलब जिसके पास जो नहीं है वह उसकी बात करता है। जिंदगी बदलने के लिए आज भी आपके पास बहुत समय है, सिर्फ जरूरत है आपको जागने की। यदि आप कुछ जानते हैं तो उस पर घमंड न करें, बल्कि उसका कहां पर सही तरीके से उपयोग हो सकता है इसका पता लगाएं।